सभी को नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AK होम डिजाइन में। दोस्तों, इस प्लान की डिटेल आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी। दोस्तों, इसका मिलीवेशन आपको डिस्कस करेंगे। देखिए, बाउंड्री की डिजाइन आपको कुछ इसी तरीके से हमने डिजाइन किया है। बीच में आपका इस तरीके से मेन गेट है, अपने स्लाइडिंग मेन गेट लगाया है। आप अपने हिसाब से इसको डिजाइन कर सकते हैं। बाकी क्लाइंट के पास स्पेस चारों साइड है, तो यहाँ पर प्लांटेशन वगैरह कर सकते हैं। इस तरीके से आप देख लीजिए, इस तरीके से सारा कुछ आपको डिटेल मिल जाएगा। दोस्तों, तो इस प्लान का मैं सब कुछ डिटेल डिस्कस करूँगा। ये आपका फ्रंट पे बरामदा छोटा सा बनाया गया है। ये एलिवेशन आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताएं। ऊपर रेलिंग की बात करें तो यहाँ हमने ग्लास की रेलिंग यूज किया है। कुछ इसी पैटर्न और इसी लुक पे आपका ग्लास की रेलिंग रहेगी। विंडो का डिजाइन भी आप देख लीजिए, कुछ इसी तरीके से हमने बॉक्स पैटर्न पे विंडो को डिजाइन करके डिजाइन दिया है। दोस्तों, बाकी प्लान आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, और हमारे चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किए करें। दोस्तों, ठीक है। बाकी मकान आप देख सकते हैं, चारों साइड से ओपन एरिया बना है, तो विंडो आप चारों साइड दे सकते हैं। जहाँ पे नीड थी वहाँ पे क्लाइंट ने दिया है हर जगह पे। ये आपका सीढ़ी का रूम है, सीढ़ी को इस तरीके से हमने डिजाइन किया है, बड़ी सी ग्लास के साथ डिजाइन करके डिजाइन दिया है इसी तरीके से। ये विंडो आपका बैक साइड में भी विंडो आपको इसी तरीके से कुछ मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं, कुछ इसी तरीके से आपका बैक साइड विंडो। एक दरवाजा दिया गया है इस साइड में निकलने के लिए आपका। और बाकी ये देख लीजिए, आपका स्लोपी रूप में हमने इसको डिजाइन किया है। स्लोपी रूप में क्लाइंट को चाहिए था फर्स्ट फ्लोर, उनको पूरा स्लोपी रूप में चाहिए, तो ऊपर आधा ही बना हुआ है। तो इस तरीके से इसका एक्सटीरियर डिटेल है। अभी इसका सेक्शन प्लान भी मैं डिस्कस करूंगा। दोस्तों, तो सेक्शन प्लान की बात करें तो ये अभी आपका ये सेक्शन प्लान हो जाएगा। ये सेक्शन प्लान आपका हो जाएगा इस तरीके से। फ्रंट में बरामदा दिया गया है जो कि 4 फीट चौड़ा आपका बरामदा है। यहाँ से आपका मेन गेट से एंट्री करेंगे, ये आपका मेन गेट हो जाएगा। यहाँ से आप एंट्री करेंगे, सामने आपका टीवी का प्लेसमेंट इस तरीके से हो जाएगा। इस साइड आपका हॉल एरिया हो जाएगा, लिविंग हॉल हो जाएगा। इसका जो साइज रखा गया 15 फीट × 8 फीट 7 इंच का, टीवी का प्लेसमेंट इस तरीके से हो जाएगा। इस हॉल में विंडो जो है ये सामने आपका हो जाएगी। ये विंडो आप देख लीजिए, इसी तरीके से आपका विंडो का डिजाइन सामने हो जाएगा। उसके बाद आप पैसेज से आगे जैसे निकलेंगे तो यहीं पर हमने एक टॉयलेट बाथरूम बनाया है। इस टॉयलेट बाथरूम का जो साइज रखा गया 10 फीट × 4 फीट 7 इंच का रखा गया। इसका वेंटिलेशन इस विंडो के थ्रू हो जाएगा जो कि बाहर की तरफ आपका ओपन है। दोस्तों, ये आप देख लीजिए, इसी तरीके से आपका टॉयलेट बाथरूम रहेगा। इस टॉयलेट बाथरूम के जस्ट बगल आपका सीढ़ी का रूम बनाया गया। ये आपका सीढ़ी रहेगा, सीढ़ी स्टेयर जीना जो आप बोलते हैं, इस तरीके से आपका सीढ़ी स्टेयर जीना आपका रहेगा। यहाँ पर आपका मल्टी रूम में इस तरीके से बड़ी सी ग्लास की विंडो डिजाइन रहेगी। दोस्तों, ठीक है, इस तरीके से। उसके आगे इस साइड आप देखेंगे, ये आपका हॉल एरिया हो जाएगा। 13 फीट 2 इंच × 12 फीट 5 इंच का रहेगा। इस हॉल एरिया में सामने टीवी का प्लेसमेंट किया गया है। एक दरवाजा बाहर साइड में निकलने के लिए दिया गया है, एक विंडो दिया गया है, ये आप देख सकते हैं इस विंडो में, ठीक है। बाकी एक बेडरूम ये रहा आपका, ये बेडरूम इस साइज देख सकते हैं आपका, ठीक है। इसका जो साइज रखा गया है 12 फीट 9 इंच × 11 फीट 7 इंच का इस साइज से रखा गया है। दोस्तों, सामने आपका इस तरीके से टीवी का प्लेसमेंट किया गया। इस बेडरूम का विंडो जो है बरामदे में आपका फ्रंट साइड में ओपन होगा, ठीक है। इसके आगे की बात करें तो पीछे आपको एक बेडरूम और एक किचन मिल जाएगा। ये दरवाजा आपको इसी तरीके से मिल जाएगा, यहाँ से आप दरवाजे से एंट्री करेंगे, ये एक बेडरूम आपका इस तरीके से आपका हो जाएगा। दोस्तों, ये आपका बेडरूम का जो साइज रखा गया 14 फीट 7 इंच × 11 फीट 7 इंच का साइज रखा गया। इसका विंडो जो है बैक साइड में इस तरीके से दिया गया है। दोस्तों, अभी मैं इसका सेक्शन प्लान भी आपसे डिस्कस करूंगा और इसका ये भी बताऊंगा कि आपको इसका PDF अगर चाहिए तो कहाँ से मिलेगा। उसके आगे की बात करें तो ये आपका किचन एरिया हो जाएगा, 9 फीट 4 इंच × 8 फीट का ये आपका किचन एरिया हो जाएगा। इस किचन में विंडो बैक साइड में दिया गया है, बैक साइड से आपका वेंटिलेशन इस विंडो के थ्रू आपका हो जाएगा। इसी किचन से अटैच करके एक स्टोर रूम छोटा सा बनाया गया है। इस किचन का स्टोर रूम का जो साइज रखा गया 3 फीट × 4 फीट 8 इंच का साइज रखा गया है। ये आप प्लान देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको सारी चीज़ें लगभग क्लियर हो जाएंगी कि हमने किस तरीके से आपको सारा चीज़ें बना के दिया। 2 बेडरूम आपका रहेगा, एक किचन रहेगा, स्टोर रूम रहेगा, टॉयलेट रहेगा, लिविंग हॉल रहेगा और डाइनिंग एंड हॉल रहेगा आपका। तो इस तरीके से इस प्लान का डिटेल है। अब इस वॉक थ्रू की बात करें तो ये आपका वॉक थ्रू डिजाइन हो जाएगा। फ्रंट में आपका ये 4 फीट का ओटा बरामदा, ओटा जैसे आप बोल सकते हैं। दोस्तों, उसके आगे यहाँ से आप मेन गेट से जैसे आप एंट्री करेंगे, ये वाला एरिया आपका मेन गेट हो जाएगा। यहाँ से मेन गेट से एंट्री करेंगे, आपका हॉल एरिया हो जाएगा, डाइनिंग एंड हॉल एरिया, जो कि अभी हमने सेक्शन प्लान में भी डिस्कस किया है। ऊपर आपसे इस तरीके से फैन, सीलिंग लाइट वगैरह आपका इस तरीके से लग जाएगा। सामने ही आपका इस तरीके से टीवी का प्लेसमेंट इस पैटर्न और इस लुक पर आपका टीवी का प्लेसमेंट वगैरह किया गया। दोस्तों, यहीं के इसी के बगल में ही आपका टॉयलेट बाथरूम का प्लेसमेंट किया गया। ये टॉयलेट और बाथरूम दोनों इसमें कंबाइंड बनाया गया है। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, टॉयलेट और बाथरूम दोनों इसी में साथ में कंबाइंड में है, ठीक है।
इस टॉयलेट बाथरूम का जो साइज़ रखा गया है आप जानते ही हैं, सारा चीज़ें अभी डिस्कस किया आपको, ठीक है। इस टॉयलेट बाथरूम का जो साइज़ रखा गया है 10 फीट × 4 फीट 7 इंच का रखा गया है दोस्तों। तो इस तरीके से टॉयलेट बाथरूम है। इसके आगे आपको ये आपका लिविंग और हॉल मिल जाएगा, ये डाइनिंग हॉल मिल जाएगा। ये डाइनिंग हॉल वाला एरिया आपको 13 फीट 2 इंच × 12 फीट 5 इंच का मिल जाएगा। इस डाइनिंग हॉल में सामने आपका इस तरीके से टीवी का प्लेसमेंट सामने ही आपका इस तरीके से किया गया है। एक दरवाजा दिया गया है साइड में निकलने के लिए, बाकी विंडो एक दिया गया। इस तरीके से आपका ये डिजाइन रहेगा। ये आपका एक बेडरूम हो जाएगा इस तरीके से। इस बेडरूम का जो साइज रखा गया 12 फीट 9 इंच × 11 फीट 7 इंच का इस बेडरूम का साइज रखा गया। ऊपर आप देख सकते हैं फैन सीलिंग लाइट वगैरह आपको इस तरीके से मिल जाएगी। टीवी का प्लेसमेंट आपको इस तरीके से कुछ सामने इस तरीके से ओके मिल जाएगा दोस्तों। बाकी इस प्लान का आपको PDF चाहिए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से जाके इसका PDF डाउनलोड करके साइजेस वगैरह देख सकते हैं दोस्तों। बाकी ये आपका किचन एरिया हो जाएगा लास्ट में। ये आपका किचन एरिया हो जाएगा। इस किचन का जो साइज रखा गया है 9 फीट 4 इंच × 8 फीट का साइज रखा गया। ऊपर आप देख सकते हैं सीलिंग फैन सीलिंग लाइट वगैरह आपको इस तरीके से कुछ मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। सामने इस तरीके से यहाँ पे विंडो मिल जाएगा बैक साइड वेंटिलेशन के लिए। और ये एक आपका स्टोर रूम इसी से अटैच करके बनाया गया है 3 फीट × 4 फीट 8 इंच का। एक छोटा सा स्टोर रूम है, महीने का राशन वगैरह आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं किचन के लिए। तो इस तरीके से आपको डिटेल मिलेगा दोस्तों। और इसके इस किचन के जस्ट साइड में ही आपको, इसके जस्ट बगल में ही आपको एक बेडरूम वन मिल जाएगा। बेडरूम इस बेडरूम का जो साइज रखा गया है 14 फीट 7 इंच × 11 फीट 7 इंच का साइज रखा गया है। इस मकान को सेमी डुप्लेक्स में बनाया गया है तो आधा हिस्सा फर्स्ट फ्लोर का भी बनाया गया है, उसको भी मैं अभी डिस्कस करूंगा तो आपको सारी चीज़ें उसमें क्लियर हो जाएंगी दोस्तों किस तरीके से बनाया गया दोस्तों। ये आपका टीवी का प्लेसमेंट कुछ इसी तरीके से इसी पैटर्न पे आपका टीवी का प्लेसमेंट वगैरह आपका किया गया है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से इस पैटर्न पर आपका टीवी का प्लेसमेंट वगैरह किया गया है। इस तरीके से आपका ये टीवी का प्लेसमेंट रहेगा दोस्तों। बाकी सीढ़ी का रूम है, इस तरीके से आपका सीढ़ी का रूम देख सकते हैं। आपका बड़ी सी ग्लास की विंडो यहाँ पर डिजाइन किया गया है। ये आपका डॉग लेग स्टेयर बनाया गया है, इस तरीके से आपका ये डॉग लेग स्टेयर रहेगा। ऐसे होते हुए आप ये फर्स्ट फ्लोर पे आप ये आ जाएंगे। फर्स्ट फ्लोर पे किचन डाइनिंग एरिया और टॉयलेट बाथरूम आपका बनाया गया दोस्तों, ठीक है। ये आपका लिविंग हॉल है, जैसा ग्राउंड फ्लोर पे आपको बनाया गया लिविंग हॉल हो जाएगा। ये आपका टॉयलेट बाथरूम है, जैसा ग्राउंड फ्लोर पे बनाया गया टॉयलेट बाथरूम इसी के साथ अटैच करके बनाया गया है। ये आपका टॉयलेट बाथरूम इस तरीके से रहेगा दोस्तों, ठीक है। ये डिज़ाइन आप देख लीजिए, जैसा ग्राउंड फ्लोर पर बनाया वैसे ही फर्स्ट फ्लोर पर बनाए। बाकी इस प्लान का PDF डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से जाकर इसका PDF डाउनलोड करके साइजेस वगैरह देख सकते हैं दोस्तों। ये आपका एक बेडरूम रहेगा दोस्तों, ठीक है। अगर आपको इसका साइजेस वगैरह देखना है तो जाके PDF के डिस्क्रिप्शन में वहाँ से इसका डाउनलोड करके साइजेस वगैरह देख सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, आपका बहुत आभारी हो जाएगा। एक ही होम डिजाइन, ठीक है। ये आपका इस तरीके से स्लोपी रूप में इस पैटर्न पे इस लुक पे आपका इस स्लोपी रूप में डिजाइन होकर डिजाइन रहेगा। बाकी प्लान कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।